केमिकल इंजीनियर्स में केमिस्ट्री वाले होते हैं सारे केमिस्ट्री वाली चीज़ें पढ़ते हैं गुड अपॉर्चुनिटीज़ है कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है तो मैं आपको बता देता हूँ भाई रिएक्शंस वगैरह करते हैं तो बायोफ्यूल्स आजकल बायोफ्यूल बायो बहुत चल रहा है बायोफ्यूल मतलब तुम समझते हो ना वो चीज़ों को सड़ाते हैं वहां से तेल निकालते हैं वो सब चल रहा है बायोमेडिक्यूल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बायोकेमिकल केमिकल सेलुलर इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग एंड सिमुलेशन इन सब जगहों पे अच्छा आजकल इसका बहुत यूज इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में पड़ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या कि भाई एक चीज से दूसरे मेटल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके निकालना ये सब और दूसरा इसका बहुत ज्यादा यूज कहाँ आ रहा है पता है आजकल ईवी चला हुआ है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन इंसान बताएगा कि उसमें क्या डायोड डालें और क्या एनोड डालें जिससे बैटरी सबसे बढ़िया बनेगी हमारी बैटरी में रस्टिंग नहीं होगा ये सब सब केमिकल इंजीनियर बनाएगा तो आज के डेट में बैटरी टेक्नोलॉजी पे बहुत केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी है तो सबसे बढ़िया बैटरी बनाने की कोशिश की जा रही है तुमने सुना भी होगा कि भैया लिथियम आयन बैटरी सबसे अच्छी बैटरी नहीं होती है बिकॉज लिथियम बहुत लिमिटेड है अब अगर लिथियम लिमिटेड है तो तुमको पता होना चाहिए ईरान की एक कंपनी है जिसने बहुत रिसेंटली एक रिसर्च किया है और उसने हाइड्रोजन सेल बनाया है और यू वोंट बिलीव हाइड्रोजन तो भैया पूरे यूनिवर्स में इनफाइनाइट है तो भैया उसने अगर हाइड्रोजन का सेल बना लिया पानी से चलने वाला गाड़ी बना दिया और उसने सच में बना दिया है तो भाई मतलब फिर तो खत्म सब खत्म मतलब पेट्रोल का तो मार्केट ही खत्म हो गया तो अभी हालांकि उस पर और रिसर्च चल रहा है कि कैसे उसको मास प्रोडक्शन कर सकते हैं बट उसने हाइड्रोजन सेल पे बना के गाड़ी बना दी है ये सब को कौन कर रहे हैं केमिकल इंजीनियर्स कर रहे हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग में अभी बहुत स्कोप है बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा तो सालों से केमिकल इंजीनियरिंग पे ध्यान ही नहीं दिया गया लोग कहाँ जा रहे हैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस में तो केमिकल इंजीनियरिंग में तो खतरनाक है अभी स्कोप है पहली बात तो ये फिर थर्मोडाइनमिक्स पॉलीमर्स पेट्रोकेमिकल अच्छा पेट्रोकेमिकल में भी बहुत अभी स्कोप है तो पेट्रोकेमिकल में भी लोग कर रहे हैं यहाँ तो खैर अच्छे अच्छे इंजीनियर्स जाते हैं बट ये बैटरी टेक्नोलॉजी ना अभी बहुत कम लोग गए हैं तो बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्कोप अभी बन रहा है ठीक अब सबसे अच्छी चीज इसका बताता हूं तो इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री क्या क्या आप बन सकते हैं ये सब है इसमें सबसे अच्छी जो नौकरी लगती है वो दो जगह लगती है कहां कहां पहला लगता है ऑयल रिफाइनरी तेल का कुआं अब जैसे तेल निकलता है तो तेल निकलता है तो भाई वहां से जो पेट्रोल निकल रहा है उसका पेट्रोल का एनालिसिस होगा वो क्रूड ऑयल किस क्वालिटी का है फिर वो जाएगा रिफाइनरी में तो यहाँ पे बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है और यह बहुत अच्छी नौकरी है जनरली हमेशा बड़े कंपनीज में बिकॉज तेल कौन निकालेगा छोटा मोटा आदमी तो नहीं निकालेगा मैं तो जाकर नहीं निकाल सकता समुद्र के अंदर से तेल तो उसके लिए वो वैसे ही कंपनी होगी जो लाखों करोड़ों की कंपनी होगी और उन कंपनियों में तुम्हारी नौकरी लग रही है मतलब सैलरी भी अच्छी होगी तो ऑयल रिफाइनरी में लगती है लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है पता है क्या ड्रॉबैक ये है कि तुमको हमेशा काम ऐसे इन्वायरमेंट में करना होगा जो बहुत ही हेल्दी इन्वामेंट नहीं होगा क्योंकि भैया तेल कहाँ निकाला जाता है या तो समुद्र में निकालते हैं या फिर ऐसे खदानों से निकालते हैं जहाँ गर्मियाँ बहुत होती हैं अरब के तुमको पता होगा ना सारे के सारे अरब कंट्रीज़ में ऑयल ऑयल रिफाइनरीज़ हैं ऑयल का कुआं है तो भाई वहाँ पे गर्मी कितनी है अब सोचो अगर वहाँ तुम जाहिर सी बात है तुम कहीं किसी पावर प्लांट पे रहोगे तो वहाँ ए थोड़ी लगाएगा कि सर आपके माथे पर ए लगा रहे हैं क्योंकि आप बड़े साहेब हैं ऐसा नहीं होगा तो ऑयल रिफाइनरी में वर्किंग कंडीशन खराब है तो अब इसके बाद एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आता है केमिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है कौन है पता है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यू वन बिलीव बट आई एम राइटिंग इट टीचर और अभी तुमको भरोसा करवा दूंगा कि ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्यों है भरोसा करा दूंगा तुम मान जाओगे टीचिंग इतना बढ़िया ऑप्शन है केमिकल इंजीनियर्स के लिए केमिस्ट्री वालों के लिए कि भाई आंख बंद करके नौकरी ले लो और एकदम चोखा माल मिलेगा <coughs> होता क्यों है कि जैसे तुम सारे लोग जानते हो तुम लोग अभी पीसीएम पढ़े हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ोगे तुम्हारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ है या तो फिजिक्स में या तो मैथ्स में तभी तो तुमने पीसीएम लिया क्योंकि अगर तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो तुम नीट जा चुके होते मेरे को पता है और जो बच्चा नीट भी जाता है उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट नीट जाने में किसका होता है बायो का जाहिर सी बात है बिकॉज अगर उसको बायो पसंद नहीं तो नीट का एक जा रहा है नहीं जाएगा अब देखो दोनों जगह चाहे पीसीएम ले रहे हो चाहे पीसीबी मेन सब्जेक्ट कौन बनता है पीसीएम में मैथ्स बनता है और पीसीबी में बायो बनता है तो यार जो मेन मेन है वो तो फिजिक्स बायो या फिजिक्स मैथ्स बन जाते हैं केमिस्ट्री ना एकदम नेग्लेक्टेड फील करता है सौतेला महसूस करा देते हैं बच्चे इसको और होता यूं है कि जब केमिस्ट्री को सौतेला महसूस कराया जाता है ना तो केमिस्ट्री लेता है बदला तुमसे भी लिया होगा और ये बदला कब लेता है बेटा फाइनल एग्जाम में जब जेई होता है ना तो जिसकी केमिस्ट्री खराब उसका केमिस्ट्री बिगाड़ देता है जेई और चाहे जेई हो चाहे नीट हो अगर तुम केमिस्ट्री नहीं पढ़ के गए हो ना तुम्हारी वॉट लग जाएगी रिटर्न गारंटी अब जैसे ही वॉट लगी मतलब बच्चा पागल अरे सर केमिस्ट्री 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 सर केमिस्ट्री दो अच्छा ठीक है केमिस्ट्री दो रुको बेटा रुको ला रहा हूं अच्छा टीचर ला रहा हूं ए भाई केमिस्ट्री का एक अच्छा टीचर खोजो सर केमिस्ट्री का टीचर कोई अच्छा है ही नहीं सर सब के सब इंजीनियर्स ना फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि वो अपने टाइम पे भी केमिस्ट्री नहीं पढ़े थे ओले ओले तो ठीक है लेकर आओ एक कोई बीएससी बीएससी केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाला बताइए क्या पढ़ाना है? हम पढ़ा रहे पंद्रह साल से पढ़ा रहे हैं कॉलेज में पढ़ाते हैं बी एस टी किए हुए हैं बाबू महाराजा लाल यूनिवर्सिटी से हम नंबर वन से सर सिक्सटी फाइव परसेंट हमको नंबर आया था लो ऐसा मिलेगा केमिस्ट्री टीचर तो होता क्या है कि सबसे ज्यादा टीचर कौन है इंजीनियर्स इंजीनियर्स तुमको हर जगह दिख जाएंगे सारे बीटेक किए हुए लेकिन वो नाइनटी परसेंट बीटेक किए हुए जो इंजीनियर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं पता है फिजिक्स या फिर मैथ्स अब जब वो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स और मैथ्स में टीचर भर भर के हैं तुमको कहीं फिजिक्स और मैथ्स के टीचर की कमी नहीं महसूस होगी लेकिन केमिस्ट्री का अच्छा टीचर खोज के दिखाओ दिखा दो खोज के तुम रेयर ऑफ द रेयरस्ट अब जब केमिस्ट्री का टीचर रेयर हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ गई और जब उसकी डिमांड बढ़ गई तो उसका सैलरी बढ़ गया तो बेटा आपको एक रखता है से भैया फिजिक्स और मैथ्स में आपको टीचर पंद्रह लाख पर ईयर में मिलेगा इसी सेम एक्सपीरियंस वाला इतना ही uh, काबिलियत रखने वाला एक केमिस्ट्री टीचर मिनिमम बीस लाख रुपए पर ईयर में मिलेगा मिनिमम और कई बार अगर किसी कोचिंग को बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो मैंने देखा है कि वो लोग इसी सेम लेवल का टीचर 25 लाख में भी लेकर आते हैं क्योंकि नहीं तो बच्चा गाली देगा और बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो केमिस्ट्री का इतना डिमांड है कि स्टार्टिंग से आप थोड़ा सा केमिस्ट्री अपना अच्छा रख लो और अगर आप पढ़ाना जानते हो बेटा तुमको बीस पच्चीस लाख रुपए से कोई काम नहीं दे रहा कोई भी काम नहीं देगा स्टार्टिंग सैलरी लगेगी टीचर में यह है केमिस्ट्री का पावर अब आया ना मजा अब अब दिख रहा है ना कर, और सोचो ये कंप्यूटर साइंस से बेहतर नौकरी है भाई दिन भर एसी में क्योंकि भाई बड़े बड़े कोचिंग में जाओगे एसी में रहना है एसी में पढ़ाना है बच्चे पैसा भी देंगे और पैर भी छुएंगे जाहिर सी बात है टीचर की नौकरी है, ऐसी है जहां पर पैसे भी मिलते हैं और पैर भी छुए जाते हैं और ये टीचर और सबसे बड़ी बात ये इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां ज्ञान देने के पैसे मिलते हैं तुम तो अभी ये सबसे अच्छा समझ सकते हो कोई ज्ञान लेने के लिए तैयार होता है कोई भी ज्ञान देता है तो लोग बोलते हैं भाई चुभ ज्ञान मत दे लेकिन यहाँ बेटा ज्ञान देने के भी पैसे मिलते हैं तो टीचिंग इज द बेस्ट और उसमें भी केमिस्ट्री केमेस्ट, का टीचर मजा ही आ जाएगा अब फील हो गया होगा ना केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग कितना बढ़िया ब्रांच है आया मजा बेचारा केमिस्ट्री <laughs> बेचारा नहीं बेटा बहुत तोड़ चीज है ये चलो तो ये सारे कुछ टॉप के कंपनीज हैं जो नॉन टीचिंग वाले में मैंने जो जो ऑप्शन बताया वो लोग लेते हैं अब यहाँ पे एवरेज पैकेज वगैरह देख लो जरा आई दिल्ली बॉम्बे कानपुर रोपर सब जगह फीस वही नौ लाख की है बट सोलह लाख अट्ठाईस लाख पंद्रह और बारह और ध्यान रखना आईआईटी बॉम्बे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत जाना जाता है आईआईटी बॉम्बे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत जाना जाता है क्यों जाना जाता है बता देता हूं बेटा बॉम्बे के पास एक जगह है जिसका नाम है ट्रॉम्बे बॉम्बे के पास एक जगह है जिसका नाम है ट्रॉम्बे और ट्रॉम्बे में है ऑयल रिफाइनरीज ऑयल रिफाइनरीज ये ऑयल रिफाइनरीज इसमें रिलायंस का ऑयल रिफाइनरी है औ, और भी बहुत सारे लोगों का ऑयल रिफाइनरी ये बॉम्बे से पास में जो ट्रॉम्बे है ना यहाँ पे चुकी ऑयल रिफाइनरी है इसलिए केमिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ऑब्वियसली बॉम्बे के एकदम पास में है तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहुत आसानी से यहाँ इंटर्नशिप भी लगती है जब इंटर्नशिप लगती है तो उनका नौकरी भी बहुत आसानी से लगता है एंड हेंस आई बॉम्बे में केमिकल इंजीनियर्स का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है